वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े झटपट ज़बरदस्ती हेल्दी सी ठंडाई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा देखें, हमारे पास यहाँ कुछ चीज़ें हैं तो उसको हम सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम सौंफ ले लेते हैं जो कि है 1/3 ऑफ द कप, 50 grams। अच्छा देखें, हमने यहाँ 1.5 कप शक्कर लिए तो हम एक भर के शक्कर लेंगे ताकि इस तरह क्या पीसने में आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें साथ साथ पिसती जाएगी। तो अब इसको हम बंद करते हैं और पीस लेते हैं। अच्छा देखें, अगर आपके पास इलायची के पिसी भी है तो अलग बात है, या दाने हैं तब भी अलग बात है। मैं पूरी साबित इलायची कर रही हूँ तो खुशबूदार मज़ेदार बनता है। तो ये 1 टेबलस्पून है तो मैं इस वक्त इसके साथ डाल देना चाहती हूँ क्योंकि इसके साथ पिसेगी, सौंफ भी थोड़ी हार्ड होती है ना और इलायची भी हार्ड होती है थोड़ी सी, तो ये मिल के बेहतरीन सा पाउडर बन जाएगा। तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दी है। चले देखते हैं क्या सिचुएशन है। देखिए कैसा बेहतरीन सा पाउडर बन गया है। अब इसको हम फिर भी एहतियातन अपने छन्नी में डाल देते हैं कि जो बचेगा हम रिपीट कर लेंगे उसे। तो ये देखें, सौंफ जो है उसको बारीक करना थोड़ा सा एक साथ मुश्किल है, तो अब ये सौंफ का जो बचा है ये हम दोबारा डाल देंगे इसमें। अब दोबारा 1 टेबलस्पून में हम शुगर डाल देते हैं और इसको पीसते हैं। सौंफ जो है वो गर्मियों के लिए बहुत ठंडक देती है, पेट को, दिल को, दिमाग को, सबको सुकून देती है। चले तो इसको हम दोबारा डाल देते हैं। देखिए मैक्सिमम हमारा सारा हो गया है, अब बस बिल्कुल हार्डली 1 टेबलस्पून भी नहीं बचा है हमारा। तो ये अब हम डालेंगे और हमारी दूसरी चीज़ों के साथ इसको भी पीस लेंगे। चलिए अब दोबारा थोड़ी सी शुगर डालेंगे। शुगर हेल्प करती है पीसने में और इसमें हम डाल देंगे 50 grams बादाम, यानी 1/3 ऑफ द कप। आप लोग कहते थे ना भाई कोई ऐसी चीज़ दे भाई नेचुरल हो, तवानाई आए गर्मी में। चले इसको स्टार्ट करते हैं। चले देखते हैं क्या सूरत हाल है। हाँ देखिए बेहतरीन किस्म का हो गया। अब हमें जो है सौंफ के अलावा किसी चीज़ को भी छानना नहीं था, तो अब ये चीज़ें हमारी जाती जाएंगी। चले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। चले अब हम डालेंगे अपनी शुगर और यहाँ हमारे पास हमारे बड़े खूबसूरत खूबसूरत से जो भी है शुगर, अब हमें फिनिश ही करनी है और पीस भी लेनी है, आपको जितनी दिल चाहे आप ले। और इसमें हम डालेंगे 30 grams, यानी 1/4 cup पिस्ते से कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा, ग्रीन ग्रीन। देखिए कैसा जबरदस्त सा हो गया। बस इसी तरह अब हम डालेंगे 4 मगज, वो भी है 1/4 cup, 30 grams। इसमें भी जितनी भी आपको चाहिए शक्कर डाल दें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें तो एनी हाउ शक्कर को पीस ही लेना है। ठीक है, चले देखते हैं क्या सिचुएशन है। बड़ी अच्छी सिचुएशन है, सब मज़ेदार सी यमी यमी सी एनर्जी देने वाली ठंडक पहुंचाने वाली सारी आइटम जा रही है।
अब ये जो हमारी शुगर रह गई है उसको हम पीस लेंगे। चले, ये हमारी पूरी 300 ग्राम्स शक्कर खत्म हो गई। अब ये कम्प्लीटली डिपेंड्स है आप लोगों को कितना मीठा खाना है, इस पे भी है। आप चाहे तो ज़्यादा डाल दें और चाहे तो कम डाल दें। आप लोग अक्सर पूछते थे ना, जब मैं पाउडर शुगर किसी में डालती हूँ तो आप कहते हैं पाउडर शुगर ज़रूरी है। बस इसी तरह से तो पीस लेनी है। पाउडर शुगर बन गई हमारी, तो चलिए ये भी हमारी चली गई। इतनी शानदार खुशबूएं आ रही हैं इसमें से। बस अब इससे हम अच्छे से मिला देंगे। अब देखें, कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन गर्मियों में ग्रीन ग्रीन कलर बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, वैसे भी इसका कलर ग्रीन है क्योंकि इसमें पिस्ते हैं, सौंफ है, लेकिन आप एडिशनल अगर चाहें तो इसमें एक आध कतरा डालें तो बड़ा अच्छा सा बनेगा, मज़ेदार सा। तो बेसिकली ये अब ठंडाई पाउडर जो है हमारा, ये हम मिक्स करेंगे तो ये रेडी टू गो है। आप इसको जार में भर के रखें और जब दिल चाहे इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, देखें ये तो अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो हल्का सा ग्रीन कलर डालें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गर्मियों में पिस्ते ही कलर देख के दिल को, दिमाग को, आँखों को, सब जगह बड़ी ठंडक ठंडक सी होती है। तो मैं इसमें जो है वो एक बूंद ग्रीन कलर की डाल रही हूँ। तो बस इसको अब हम मिला लेंगे। आप चाहें तो पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो आपके पास हो। तो बस अब हम इसको मिलाएंगे और एक दफ़ा सिफ्ट कर लेंगे। तो एक बर्तन लेंगे, दोबारा वो छन्नी रखेंगे और इसमें छान लेंगे। ताकि बेहतरीन सा पाउडर हो जाए। ये जो कलर भी डाला है ना, वो भी इवनली बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई ख़ास ग्रीन तो नहीं हुआ, लेकिन 18-20 अभी होगा क्योंकि हमने बड़ा हल्का सा डाला है, लेकिन जब हम ड्रिंक बनाएंगे तो उसका कलर पिस्ता ही कलर हो जाएगा। तो बस हमारा ठंडाई पाउडर तो बन के तैयार हो गया है। आप इसको बस एयर टाइट कंटेनर में रखें, फ्रिज में रखें, बाहर रखें, जब दिल चाहे बना के यूज़ करें, मज़ेदार। और मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चले इसको रैप अप करके मिलते हैं, ग्लास लेके आते हैं। देखें, हमारा मैस क्लियर हो गया है और हमारा दूध और आइस हमने सब रेडी रखा है। बेसिकली क्या होता है कि इसको दूध में थोड़ी देर भिगो के रख देते हैं, आधा घंटा, ऐसे भी बना सकते हैं आधा एक घंटा पहले भी। टेस्ट अलग आता है, वो थोड़ा सा बादाम वगैरह फूल जाती है तो एक फ़्लेवर अलग आता है। अगर इंस्टेंटली बना लेंगे तो फ़्लेवर अलग आएगा। आपका जैसा दिल चाहे आप करें। तो ये भी एक दो तरीके होते हैं कि ग्लास में डायरेक्ट आपने ये चम्मच डाला और दूध डाला, हिलाया, आइस डाल के पी लिया। और एक ये अनदर वे है कि इसमें हम डालेंगे ये पाउडर जो हमने बनाया है। तो ये बेसिकली हमारा टेबल स्पून तो नहीं है, बड़ा वाला है, तो ये हम डाल देते हैं दो। और इसमें हम डालेंगे दूध, ये बेसिकली हम एक ग्लास का बता रहे हैं आपको। अब इसमें हम डाल देंगे आइस, ठंडा ठंडा ज़बरदस्त सा लगेगा। और इसको हम कवर करते हैं और अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। बस ये हो गया, देखें कितना सिंपल सा है। अब ये देखें पिस्ता ही जो कलर आया ना, ये हम चाह रहे थे ज़बरदस्त किस्म का। इसमें हम कुछ गार्निश के लिए थोड़े पिस्ते डालेंगे, तो हरा ड्रिंक डालेंगे, हरी स्ट्रॉ डालेंगे गर्मियों के लिए सारा, और ये हम अम्ब्रेला भी डालेंगे। ये देखें हमारे पास एक ग्रीन कलर की अम्ब्रेला है, इससे हम और फ्रेश फील करेंगे। ये डाल दिया, देखा कैसे झटपट हमारा ठंडाई का पाउडर बन गया। अब हम जार भर के रख दें, पूरी गर्मियाँ इंजॉय करें। बस आधा एक घंटा पहले थोड़ा सा घोल लें ताकि दूध में वो ज़बरदस्त सा फूल उल जाए। उसके बाद दिल चाहे तो ग्राइंड कर ले, नहीं दिल चाहे तो ऊपर से आइस डाल के पी ले। वेरी सिंपल और वेरी हेल्दी एंड वेरी नेचुरल।
तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। इतना एग्जॉटिक है और सूदिंग है, पिस्ते की खुशबू, इलायची की खुशबू, सौंफ की ठंडक, सब महसूस हो रही है। इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि हेल्दी भी बहुत है, नेचुरल भी बहुत है, और गर्मियों के लिए इसमें जो भी चीज़ें डली है ना उसकी तासीर ठंडी है। अच्छा, कुछ लोग इसमें काली मिर्च भी डालते हैं, उसकी भी बेसिकली तीखाहट होती है लेकिन तासीर ठंडी होती है। तो अगर आप चाहें तो डालें, लेकिन मुझे कभी वो सेटिंग नहीं आई है तो मैंने कभी नहीं डाला है। लेकिन आप लोग ये बना के रखें, मज़े करें, बस इंस्टेंटली घोल के पी लें, मज़े करें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल ज़बरदस्त और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।